हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बरेली की ब्लॉगर सोनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूँ सोनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए काले चने की एक बहुत ही चटपटी सी रेसिपी। इसके लिए मैंने टमाटर प्याज को चॉप कर लिया, हरी मिर्ची अभी नहीं काटी है, नींबू भी नहीं काटा है, ये मैं बाद में काटूंगी। चनों को मैंने रात में भिगो के रख दिया था नमक डाल के कुकर में। अब सुबह मैंने इसमें 4 सीटियाँ लगा ली हैं, ये अच्छे से गल गए हैं मेरे। बच्चे खाली उबले हुए लेके जाते हैं तो मैंने उनका टिफ़िन में तैयार कर दिया है। इसमें मैंने नमक, काला नमक, गरम मसाला, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च साबुत रख दी थी, नींबू आधा काट के रख दिया था, ये मैंने बच्चों का टिफ़िन लगा के दे दिया है। और अब हम जा रहे हैं काले चनों को छौंकने के लिए, क्योंकि मुझे बिना छुके हुए नहीं अच्छे लगते हैं, बच्चे उबले हुए खाना पसंद करते हैं। और यहाँ हम अपने लोगों के नाश्ते के लिए छौंक रही थी, तो कढ़ाई में तेल गर्म होने के बाद जीरा डाला, फिर उसमें मैंने हींग डाल दी है। जब ये दोनों चीज़ें हो गई, अब मैंने इसमें प्याज डाल दी है, सॉरी हरी मिर्ची डाल दी है, अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। अब इन्हें अच्छे से भून लूंगी। थोड़ा सा भून जाने के बाद मैं इसमें काले चने मिला दूंगी और कुछ मसाले डाल दूंगी, जैसे कि काला नमक है, सफ़ेद नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब मसाले डाल के मैं चने इसमें डाल के अच्छे से मिला लूंगी। और जब ये बन जाएंगे तो मैं इसमें नींबू ऐड कर दूंगी, ये चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं ये, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो एक बार आप भी ज़रूर बना के देखिएगा, इस तरह से ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो चने डाल दिए हैं मैंने अब इसमें और इसे मिक्स करके अच्छे से भून लूँगी। तो जब तक मेरे चने बन रहे हैं उधर साइड में मैं अपनी चाय भी चढ़ा दूँगी। और चाय नाश्ते में आज ये काले चने ही हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। यदि अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरे के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा किस किस ने ये काले वाले चने बनाए हैं। आज खाने में दोपहर में बनाऊंगी काली वाली खिचड़ी, क्योंकि अभी कोई काम है नहीं और आज हस्बैंड भी जल्दी जा रहे हैं, उन्हें कहीं बाहर जाना है फरीदपुर से। तो रात की सब्जी रखी थी परमल आलू की, तो मैंने उसी के साथ उन्हें रोटी दे दी, सेक दी है और दही दे दिया है, तो वो खाना खा रहे हैं। और यहाँ अभी चने भी मैं बना के उन्हें दे दूँगी थोड़े से। फिर दोपहर में हम बच्चे हैं, मम्मी के लिए भी मूंगफली की खिचड़ी बना दी है, तो जब बच्चे स्कूल से आएंगे तब हम काली वाली खिचड़ी बनाएंगे। ये चने मेरे अच्छे से भून गए हैं, अब मैं इसमें नींबू मिला दूंगी। ये इसमें मैंने नींबू डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मिला लूंगी। तो आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं ये, लेकिन खाने में तो बहुत ही टेस्टी थे। फिर इसी बीच में मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि उनके कपड़ों पर प्रेस नहीं है, तो एक जोड़ी कपड़ों पर प्रेस कर दो जो उन्हें पहन के जाने थे। ये मैंने कल धोए थे लेकिन मैं प्रेस करना भूल गई थी, तो फिर मैं नाश्ता करने से पहले ये प्रेस करने बैठ गई, तो मैं कल पहले इन्हें प्रेस करके दे दूँ, वो जाएंगे नहीं तो देर हो जाएगी। तो यहाँ उनके एक सेट पर मैंने प्रेस कर दी है और उसके बाद मैं अपनी चाय और काले वाले चने ले आई थी खाने के लिए। तो आइए आप भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए और मुझे बताइएगा कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो ये मैं चाय और अपना नाश्ता ले आई थी, वो कर रही हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। कल मिलते हैं फिर आपसे, बाय बाय।